नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनोख खेती में। मैं आज आपको चने की फसल में जो हरी लट का प्रकोप चल रहा है उसको आप किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हो और कौन कौन से ऐसे कीटनाशक है जिसका प्रभाव इस कीट को कंट्रोल करने में सर्वाधिक रहता है, और उन कीटनाशक की कितनी मात्रा आपको यूज में लेनी है, इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज पूरी जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले खेतीबाड़ी से जुड़े अपडेट्स आपको मिलते रहे। किसान भाई, चने की फसल में हरी लट का प्रकोप लगभग बुआई के 30 से 35 दिन बाद में शुरू हो जाता है। ये शुरुआती अवस्था में पौधे की पत्तियों को खाते रहते हैं और बाद में जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आती है उसके बाद में फलियां बननी प्रारंभ हो जाती है, उसमें फलियों के अंदर घुसकर ये अंदर का जो दाना होता है फलियों के अंदर वो खाता रहता है, तो उस समय ये सर्वाधिक नुकसान पहुँचाती है। तो इसको समय रहते हुए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कीटनाशक आते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लोरिंग स्टेज से पहले आप डस्टेबल पाउडर यूज में ले सकते हो। क्विनोलफोस 1.5% का डस्टेबल पाउडर आता है, उसके 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से फसल में बुरकाव करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा मिथाइल पैराथियन एक और डस्टेबल पाउडर आता है जिसका नाम है मिथाइल पैराथियन 2% DP, जिसकी 20 से 25 KG प्रति हेक्टर के हिसाब से फसल में बुरकाव करके इसको कीट को कंट्रोल कर सकते हो। ये जो डस्टेबल पाउडर यूज में लेना है ये फसल के फूल आने से पहले यूज में लेना है, फूल आने के बाद में जो डस्टेबल पाउडर है उनका छिड़काव नहीं करना है। ये दोनों ही कीटनाशक है वैसे तो, लेकिन फूल आने के बाद में। इसके अलावा कई सारे कीटनाशक आते हैं जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, उनका छिड़काव करके भी इस कीट को कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आपको इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG, जिसकी आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर फसल में छिड़काव करके इस कीट को कंट्रोल कर सकते हो। तो इमामेक्टिन बेंजोइट है ये अब के टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कीटनाशक है। इसका आप इसको फ्लोरिंग से पहले भी काम में ले सकते हो और फ्लोरिंग के बाद में इस कीट को कंट्रोल करने के लिए काम में ले सकते हो। इसके अलावा एंडोक्साकारब 14.5% EC, जिसकी मात्रा 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करके इस कीट को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा एक और कीटनाशक है जिसका नाम है क्विनोलफोस 25% EC, जिसकी मात्रा 1 L प्रति हेक्टर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करके इस कीट को कंट्रोल कर सकते हो। क्विनोलफोस किसान भाई ये दोनों फॉर्म में आता है, एक पाउडर फॉर्म में आता है, दूसरा लिक्विड फॉर्म में आता है। तो आप पाउडर फॉर्म में यूज में लेते हो तो उसको फ्लोरिंग स्टेज से पहले काम में ले, अगर लिक्विड फॉर्म में लेते हो तो फ्लोरिंग स्टेज से पहले भी उसको काम में ले सकते हो और बाद में भी काम में ले सकते हो। मैंने जितने भी कीटनाशक बताए उनमें से एक ही कीटनाशक का स्प्रे या डस्टेबल पाउडर आपको यूज़ में लेना है। किसान भाई आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले खेतीबाड़ी से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस जानकारी को अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।